अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुबह तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद उनके वाइटल्स चेक किए, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ ठीक था और उन्होंने टाइम पे दवाई भी ली। फिर पता नहीं कौन सा सदमा पहुंचा कि ये सब हो गया। हे भगवान, बस मेरे सर पे से माँ का साया मत छीनो। वेन राइट में नहीं, लेफ्ट हैंड में मिले। शिव भैया, हाँ, वेन लेफ्ट हैंड पे होती है। आप क्या कर रहे हैं? आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? वो मेरी भगू माँ है, उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। और वेन लेफ्ट आर्म पे मिलेगी ना, राइट आर्म पे नहीं मिलेगी। मुझे पता है ना, इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता। भैया मैं जानता हूँ, लेकिन आपको भी हॉस्पिटल के रूल्स अच्छे से पता है। डॉक्टर्स खुद की फैमिली को ट्रीट नहीं कर सकते, यू नो दैट। हाँ शिव, मन तो मेरा भी कर रहा है कि अभी इमीडिएटली वहाँ अंदर चली जाओ और माँ ठीक हो जाए, पर नहीं कर सकते हैं ना हम कुछ भी, है ना शिव? विश्वास रखो, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर शिव, क्या हुआ दादी जी को? भगू माँ, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इधर आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ पे बैठिए। अब बताइए क्या हुआ दादी जी को, बताइए प्लीज, क्या हुआ भगू माँ को? भगू माँ, मेरी वजह से वो घर पे, वो सीढ़ियों पे चल दिन में वो गिर गए। क्या? हार्ट अटैक। डॉक्टर शिव, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दादी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भोलेनाथ उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, भगवान को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। शक्ति पक्का ना, भगवान को कुछ नहीं होगा? हाँ डॉक्टर शिव, हम शायद भूल रहे कि वो इस वक्त स्टेट के बेस्ट हॉस्पिटल में, एक से एक बढ़कर डॉक्टर उन पे इलाज कर रहा है। और ये मत भूलिए कि आप अगर दादी के सुपर हीरो है ना, तो वो भी एक सुपर हीरो की दादी है। उन्हें कुछ नहीं होगा। वाह 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 शक्ति, बस ऐसे ही दिल जीतने वाली बातें करती जा, फिर मैं अपने प्लान में भी जीत जाऊंगी। हाँ पक्का ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। पक्का कुछ नहीं होगा। सुन रहा है शिव? सुन रहा है? अरे क्या चाहिए तुझे और? इतनी अच्छी लड़की है, तेरा दुख बांट रही है, तुझे संभाल रही है, तू हंसता है तो वो तेरे साथ हंसती है, और आज जब तू रो रहा है तो तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो रो रही है। हमारी माँ का सिर्फ एक ही अरमान है शिव, तेरी शादी देखने का। उसके सरमान को पूरा करते बेटा। बहुत सालों से इस घर ने एक भी खुशी का पल नहीं देखा,
इस घर में किसी ने भी खुशी नहीं मनाई क्योंकि तू खुश नहीं था। हम सब उदास थे क्योंकि तू उदास रहता है। सब ना उम्मीद है क्योंकि तू ना उम्मीदी के साथ रहता है। इतने सालों बाद माँ ने क्या चाहा, क्या मांगा होना था तुझसे? यही ना कि उनको तू थोड़ी सी खुशी दे दे इस शादी के लिए, हाँ करके। सब तेरे लिए इतना सोचते हैं, तू भी तो उनके लिए सोच सकता है ना। मगर नहीं, तूने उनका दिल तोड़ दिया। और ऐसा दिल तोड़ा कि वो सहन नहीं कर पाई और यहां हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। पिछले 6 सालों से हम सब सिर्फ तेरे बारे में सोचते हैं। हर कोई यहां तेरे बारे में सोचता है कि शिव भैया को क्या अच्छा लगेगा, शिव को क्या बुरा लगेगा। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे शिव भैया के दिल को चोट पहुंचे। तेरे बुआ, चाची, चाचा, तेरे भाई, सब बार बार 6 साल पहले की क्या बात करते? आखिर हुआ क्या था 6 साल पहले? पर तूने क्या किया? जैसे सब तेरे बारे में सोचते हैं, तू किसी के बारे में सोचता है? This is your selfish attitude. माँ ने सिर्फ ये चाहा था कि तू इस शादी के लिए हाँ कर दे। तूने ये सोचा कि मैं भी कोई ऐसा काम कर दूं जिससे इनका दिल ना टूटे? और तूने उनका दिल तोड़ा। और इस तरह से तोड़ा कि उनका दिल सहन नहीं कर पाया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अंकल जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं बेटा? तू ही बता मुझे कि मैं कैसे शांत हो जाऊं? तू देख रही है ना ये सब क्या हो रहा है? आज हमारी माँ की ये हालत है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जबकि हम ये जानते हैं कि इसके पीछे हमारा अपना बेटा है। इतने साल बाद उसने एक हिम्मत की थी, उसने हिम्मत की थी खुश होने की, उसने हिम्मत की थी कि वो तेरी शादी में खुश हो सके, अपनी उम्मीदें पूरी कर सके, लेकिन तूने उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया शिव। इस उम्र में भी हमारी माँ को अपनी परवाह नहीं रहती, वो सिर्फ तेरे बारे में सोचती है। शिव ने खाना खाया कि नहीं खाया उसे अपनी दवाई की कोई परवाह नहीं है, पर शिव पूछती है कि शिव ने अपनी दवाई खाई कि नहीं खाई। उठते बैठते जागते सोते शिव शिव शिव। तूने क्या किया उसे? दिल का दर्द, हार्ट अटैक। बस अंकल जी बस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।